ग्वालियर में 5G नेटवर्क की सर्विसेज लॉन्च होने के बाद 5G स्मार्टफोन की बिक्री में तेजी से उछाल आया है। खासकर युवाओं द्वारा 5G स्मार्टफोन ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, तो वहीं कई व्यवसायी व स्टूडेंट भी तेज नेटवर्क की स्पीड के लिए अपने पुराने हैंडसेट को 5G से रिप्लेस कर रहे हैं। 2023 के जनवरी माह में हुई 5G की लॉन्चिंग के बाद ग्वालियर भी देश के उन 72 शहरों में शामिल हो चुका है जहां वर्तमान में 5G की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं फ़ोन विक्रेताओं की माने तो 5G की लॉन्चिंग के बाद लगभग 20-30% स्मार्टफोन की खरीदारी में ग्रोथ देखा जा रहा है। कस्टमर्स लोग अधिकांश आकर 5G मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं महंगे से महंगे फ़ोन भी अब स्मार्ट होकर 5G ही आ रहे हैं। जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजपूत है, मुझे तो 12-13 साल हो गए। देखिए, ऐसा है, 5G की लॉन्चिंग के बाद कस्टमर की डिमांड तो 5G की बढ़ी है, और जो कस्टमर हैं अभी हमारे पास जितने भी आते हैं ज़्यादातर वो 5G की डिमांड करते हैं, तो चाहते हैं कि हमें कम से कम रेंज में 5G प्रोवाइड हो जाए। अभी कुछ कंपनियाँ हैं जो लो रेंज में प्रोवाइड कर रही हैं, बाकी कस्टमर की डिमांड तो ग्रोथ हुई है 5G फ़ोन्स में। अभी प्रॉबली जो कस्टमर रेंज मांगता है वो मांगता है 15,000 की रेंज में, अप्रॉक्सीमेट उनकी जो रेंज रहती है 15 से 20 की रेंज में वो 5G फ़ोन डिमांड करते हैं। काफ़ी कंपनियां इस रेंज में 5G फ़ोन्स प्रोवाइड करा रही हैं और चल भी रहा है 5G का मार्केट, अभी अच्छा चल रहा है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो तो कस्टमर की रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कस्टमर जैसा चाहे वैसा फ़ोन ले सकते हैं। अगर कस्टमर 30,000 की रेंज में जाना चाह रहे हैं तो 30,000 की रेंज में भी 5G अवेलेबल है। अभी तो सारे फ़ोन महंगी रेंज में सब 5G आ रहे हैं।